हेलो भाई, मैं पवार। अभी देखो भाई, ये कैसे ही जगह पे मैं खड़ा हूँ, इसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा। एक दिन की बात है, मैं ऐसे अपना यूट्यूब चेक कर रहा था, मैंने देखा अरे भाई इस चैनल पे जिस पे भी वीडियो देख रहा हूँ पवार इंडरी पे हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए। यार ये शॉर्ट्स जैसे मैं इस पर ज़्यादा वीडियोज डालता नहीं हूँ, तो जो शॉर्ट्स वाली ऑडियंस है ना, मतलब वो वाली ज़्यादा इस पर आई, क्योंकि शॉर्ट्स वगैरह एक दो चल गए, तो उस मतलब वो जो ऑडियंस रहते हैं ना, मैं तो थोड़ी डेड ही मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने एक वीडियो देख के सब्सक्राइब कर दिया। अब उनको नहीं पता कि कैसा कंटेंट इस पर आने वाला नहीं आने वाला। तो मेरे ख्याल से तो जो नॉर्मल वीडियो देख के ऑडियंस आए ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा वैसे वैल्यू से ऐड करती है। लेकिन ठीक है भाई, फिर भी अगर नंबर्स दिखाना हो तो 1,00,000 हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। तो मैंने सोचा चलो इस पर भी अब रेगुलर होता है भाई। और रही बात शक्ल की, तो अब शक्ल तो ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया, तो इसको भी दिखा लेते हैं। अभी मैं बता दूँ, मैं जा रहा था भाई फार्म पे, जो भी बोलो यार, वो अंग्रेजी सब निकल जाता है आजकल थोड़े। तो क्या हुआ कि भाई मैं, मतलब दो बाइक हमारे पास, एक आकाश लेके आ गया, एक पापा लेके आ गए, मैं अकेला रह जाता हूँ, मेरे को पैदल आना पड़ता। मैं आ रहा था भाई, एकदम इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत तगड़ी, और मैं भीज गया। मैं बताता हूँ कहाँ पे खड़ा हूँ। ये देखो भाई, मैं खड़ा हूँ इसके नीचे, बस यहीं पे है फार्म हाउस। अब इतनी भी हिम्मत नहीं है भाई जाने की कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ही तेज़ आ रही है यार। मैं यही बताऊँ, अभी तक कुछ नहीं था, एकदम से स्टार्ट हो गई। तो ये पहले होटल रहा करता था दिनेश का, खाने पीने का, तो उन्होंने अब डिसकंटिन्यू कर दिए इसको, जस्ट लाइक फॉक्सवैगन पोलो और वेंटो। अब हम लोग भाग के, तो मैं जाऊंगा नहीं भाई, भीग जाऊंगा। तो अभी इसका वेट करते हैं जाने का, फिर मैं आपको दिखाता हूँ फार्म वगैरह का काम, और आकाश से भी मिलवाता हूँ। भाई ये ना होने, बंद होने का नाम ले रही, मैं एक काम करता हूँ, मैं भाग ही जाता हूँ, छोड़ो भाई। तो भाई मैं काफ़ी देर खड़ा रहा उस छत के नीचे, लेकिन मेरे पे फिर रुका नहीं गया कि भाई अब तब भी भीज लिए। अब देखो मेरी चप्पल कैसे बैठने को हो रही है, इसमें मैं गिरने को तैयार हो रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा छोड़ो। और देख ऐसे पानी भर गया था उस दिन ऐसे, ठीक है। अब भाई मैं पूरा कंप्लीट भीग चुका हूँ, आपको मैं अपनी शक्ल दिखाता हूँ, ये देखो ऐसी मेरी शक्ल हो गई। और अब मैं जाता हूँ, और आई एम कम्प्लीटली वेट। बैठा है तू तो आराम से है। हाँ, पे देखे भाई रुक रहा है। ये देखो कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है भाई, जब रुक जाएगी तब मिलते हैं भाई। देखो बारिश रुक गई है, और आकाश इतना नोटी हो रहा है, कह रहा है अरुण यहाँ पे पहले ही था, आज कैमरा रख देते हैं कई सारे, जिससे ये वाली अगर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे पानी भर रहा है, तो इसका कम से कम हमारे पास शॉर्ट तो रहेगा। तो भाई ये तो ऐसे ही नट करता ना, करता रहता है। अभी थोड़ी सी बंद तो हो गई है, अब जो हमारे मिस्त्री आ रहे हैं दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे अपना वर्क, जो ये वॉल का कंस्ट्रक्शन चालू है। ये भी फट के हाथ में आ गए, ब्रजेश ने ऐसे करा, पर इसका तो कोई वो नहीं, इसके ऊपर टाइल्स लगेंगी वो वाली जो होती हैं लॉक वाली, इसका तो कोई काम रहेगा नहीं। बाकी आज अपने को काफ़ी सारे काम करने हैं भाई, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा अ डे इन माय लाइफ टाइप करके इस वीडियो को। तो अब हम लोग जो ये वाली वॉल है ना, ये मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ, अभी मैं कहीं से घूम, मेरा कंटेंट चुरा रहा है ये नहीं दिखाना क्या? नहीं अरुण, तो सॉरी गाइस, आप आकाश की वीडियोज में ये सारा काम देखना, आई एम सॉरी। तो अभी देखो भाई, मैं बारिश में भीग गया था, इसलिए मैं आज नहा भी लिया हूँ अब, और अभी मैं आ गया हूँ शॉपिंग करने के लिए। फिर से शॉपिंग करने के लिए आया हूँ मैं फार्म हाउस की, क्योंकि आकाश ने वो दीवार मेरे को दिखाने से मना कर दिया, वरना मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता। एक्चुअली क्या है ना, अब जैसे हम वो दोबारा दीवार करवा रहे हैं, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, तो अब हम वो लेने आए हैं। हमने कॉलम का उनको अंकल को साइज वाइज दे दिया है अभी पिछली दुकान पे, मैं भूल गया था लगा लो। ओ अरे अभी उतरे थे ना वहां पे, तो मेरे पे मिस हो गई, सॉरी अभी लगा लूंगा, देख लगा ली मैंने ये मतलब रिंग बंद हो गई। और मैं ये कह रहा था भाई कि ना, मैंने अंकल को ऑर्डर दे दिया है, 14 फुट लंबा हमको चाहिए बीम, 12 mm के सरिये में, 4 सरिया नीचे, जाल वाल जो भी बनेगा। तो अब मैं जा रहा हूँ, हमारा स्टेबलाइजर आकाश ने खराब कर दिया। हमारे पास एक स्टेबलाइजर था जो मेन घर का होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं चला गया था तो इसने वो लगा तो दिया था, लेकिन उसके बाद इसने वो तोड़ ताड़ के, पता नहीं क्या पीछे से तोड़ दिया ना तूने वो, मुझे गुस्सा आ रहा था एक दिन, तो मैंने डंडा मार। हाँ तो उसको और मैं रिपेयर करवा लेते हैं भाई, अभी देखते कितने का नहीं, अभी जाएगा। अभी हम कुछ और सामान लेने नहीं, नहीं पहले उसको डाल देता हूँ, तब तक बन जाएगा वो, उसमें बनने का कुछ नहीं, उसमें नहीं, बस एक वो डब्बा चेंज होगा पीछे। नहीं नहीं नहीं, तो वो पहले वो करवा लेते हैं, पहले वो करवा लेते हैं। गाइस ये मेरे को आज डे इन माय लाइफ बनाने देगा नहीं देगा? नहीं देगा। ये आकाश लेके छोड़ दिया है भाई यहाँ पे अपना, यहाँ पे शॉप है जो ये सब बनाते हैं। तो ये टूट गई यार स्टेबलाइजर अपनी, इसका देखो भाई ये पीछे वाला सिस्टम खराब हो गया था, अब हमने इसको ये वाला जो नया सिस्टम रहता है ये डलवा लिया। ये आकाश ने तोड़ दिया था एक्चुअली, तोड़ ना दियो ये फूक दो। अरे फूकते नहीं है, आपने तोड़ा था मन से जानबूझ के, तो इसको अब हम लोग इसमें नया डलवा लेंगे पीछे साइड। ये इनपुट आउटपुट वाला सिस्टम रहता है, और मैं आपको दिखा दूँ स्टेबलाइजर कुछ इस तरीके का होता है अंदर से, ये इसके बड़ा सा इसमें कॉपर वायर रहती है ना, जो लाइट को फ्लक्चुएट करती है,
आपको कितनी लाइट चाहिए? वो हमारी किया कड़ी है, हमारी किया ये वाली नहीं है, वो वाली है हमारी किया ने भाई जाम भी लगवा दिया है। डेट्स अ डे इन माय लाइफ। ये डेली होता है क्या तुम्हारे पास में ऐसे डेली वोल्टेज? नहीं नहीं, ऐसे हम घूमते हैं ब्रो। आपको मैं पेठा की मिठाई नहीं, मेरे को तो ज्यादा लगता है। कितने बज रहे हैं? ओनली 17 मिनट लेफ्ट फॉर योर स्लीप। 2-5 बजे तक तुम सो जाते हो ना। गेवर खाओगे तो बताओ। नहीं यार, ना 2 बजे सो जाते हो। आपका डेली का तो वो होता है, आज का ही है ये तो बस। ये लो भाई हमारा हो गया काम डन पूरा 200 रुपए में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम पे। भाई इसमें बहुत बोझ रहता है, आकाश को बहुत बोझ लग जाता है इसमें। मैं खोलूं क्या? लो चलो पहले गेटन को बताओ कि बोर्ड को क्या हिसाब लगेगा। तो अभी हम आ गए भाई अपनी गेट और चौखट लेने के लिए। 50 को ही है ना? 40 के, 50 के। तो अब हमने भाई हमने अब आप सोच रहे होंगे ये किस लिए ले रहे हैं, इनके फार्म के तो गेट वगैरह चढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, हमने एक और घर परचेज किया था। तो अभी उसमें मतलब हमारा अब वहाँ पे क्या है, हमने वो उसमें किराए वो खाली पड़ा था। तो इसमें हमने क्या सोचा, इसमें किराएदार रख देते। तो उसमें वो चौखट तो चढ़ रखी थी, मतलब पूरा सेट है वो घर, उस पर गेट वगैरह नहीं चढ़ रखे थे। तो इसलिए हमने कहा कि वो उसमें किराएदार आ गए हैं, उसमें 3-4 कमरे हैं, उनको किराए पर चढ़ा देंगे। तो इसलिए हमने ये भाई बोर्ड ले लिया, उनको हम ऐसे सेट वेट करवा के और वो करवा देंगे। क्योंकि हमारे फार्म का तो हमने बढ़िया काम करवाया, बोर्ड का नहीं, हमने उसमें तो भाई अपना A1 काम जो होते हैं ना लकड़ी, उसकी सांगवान की क्या बोलते उसको, उसकी करवाई थी। लेकिन अब हम ये टम्पू करके लाए थे, क्योंकि इनका जो शॉप वालों का था वो तो 500 रुपये ले रहा था हमारे गाँव के। हमने कहा हम तो भाई अपनी कर लाएंगे, हम 200 रुपये में अपने गाँव वाले बनाए हैं। देख रहे हो पैसे बचाने की निंजा टेक्निक। ये देखो हमारे कितने सारे बोर्ड जा रहे हैं भाइयों, ये देखो कितने सारे। हाँ मिट्टी और ठीक है। तो ये देखो भाई काफ़ी बोर्ड्स अपने जाने लग रहे हैं अभी, और हमने काफ़ी और भी सामान ले लिया है, जैसे आंगन वगैरह। और दिस इज अ डे इन लाइफ ब्रो, ऐसे सिस्टम रहता है। और हम क्या लेके आए हैं भाई, क्या मस्त गाड़ी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मौसमी का पिएगा या पाइनएप्पल का? तू किसका पी रहा है? मैं तो मिक्स पीऊँगा। मैं भी मिक्स पी लूँगा। तो मिक्स बना दो, 2 मीडियम। अब भाई एक्चुअली क्या है, अब मैं मेरी हेल्थ भी आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा वैसा, मैं मोटा हो गया हूँ। लोग भाई कमेंट करते रहते हैं भाई, वही जंक खा के ना ऐसे फिर ज़्यादा मोटा हो गया मैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपना हेल्दी डाइट स्टार्ट करूँगा, जैसे मैंने ये व्लॉगिंग का सोचा है। अब मेरे पे इतने में आती नहीं है, मेरे को शर्म वरम आती करने में। अब जैसे मैं थोड़ा सा कम्फर्ट जोन में अपना ट्राई कर रहा हूँ बाहर जाने का, और तो इस तरह मैं भी हेल्दी रहने का भी सोच रहा हूँ। अब मैं रनिंग वनिंग और वो जिम मतलब वो एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो वो सब करेंगे स्टार्ट। यहाँ पे अपना पाइनएप्पल करने स्टार्ट हो गया है। आप लोग बताना भाई, मैं अगर अच्छी व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये गाड़ियों के लेके तो वीडियो बन जाती है, लेकिन यार ऐसे पब्लिक में शर्म आती है, दुनिया देखती है यार। भाई हेल्दी रहने की बात कर रहा हूँ आकाश, में अनहेल्दी नहीं भाई। अरे मैं भी हेल्दी चने ही ले रहा हूँ। अच्छा चने ले रहे हो, साफ होता है। देखो कितनी सारी वैरायटीज मिलती है भाई। और ये जो फ्लिकर देख रहे हो ना, ये होता है FPS का कमाल। मतलब जो ये कैमरा होता है ना, ये इतनी लाइट जो पड़ रही है। अरे तुम बहुत उधर जाके ज्ञान दो, पहले तुम तो सामान खरीद रहे दो भाई। ये मेरे को डेली व्लॉगिंग नहीं करने दे रहा है, देख रहे हो ये कैसे मेरे को ऐसे ठोक रहा है। आप पॉपकॉर्न भी खा सकते हो। हाँ पॉपकॉर्न भी मिलते हैं, हम लोग सोना में हैं। आप मेरे को बताना ऐसे मिला दे जो मिला है चूड़ा में। ये वाले अच्छे लगते थे बचपन में, हरे हरे थे, लेकिन अब हम जैसा बड़े हो गए तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किया और थार को छोड़ के। और जीप कंपास 5th एनिवर्सरी एडिशन भी बहुत अच्छी लगती है, जो नई आई है। तो ये देखो भाई अंकल ने पूरा सामान सेट तो कर दिया है हमारा। अब ग्रेगा नहीं, ये 11,000 रुपये का सामान आया है, और ये अपना जूस भी रेडी हो गया है। तो BLD आप पतले रहोगे अच्छे रहोगे। इस लड़के से बिल्कुल इंस्पिरेशन ना लो भाई, मैं इससे इतना कहता हूँ कि भाई पेट ज़्यादा बढ़ रहा है हम दोनों का, चल कुछ करते हैं, स्टार्ट करते रेडिंग वनिंग, लेकिन भाई कुछ नहीं करता। इसको खवा लो, देखना पूरी पन्नी को अकेला घर तक पहुँचने तक निपटा देगा। शर्माओ भाई, थोड़ा बहुत शर्मा लो। शर्माएंगे हम अगर तो, शर्मा क्या करेंगे फिर। ओ भैया ये कौन से सीजन की मूंगफली आ गई? अगर जाड़े आ गए क्या, हमको नहीं लग रहे हो कभी जाड़े? अरे भाई कमाल है यार, लोग कुछ भी कभी भी आजकल बेचने लग गए हैं। मुझे तेरी व्लॉगिंग में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। तो इस भाई की व्लॉगिंग देख सकता है जल्दी तो भाइयों, इस भाई की व्लॉगिंग जरूर आप देखो। देखो कितने मजे के साथ व्लॉगिंग कर रहा है। तो मेरे चैनल को तो प्रमोट नहीं करता, उसके चैनल को प्रमोट कर रहा है। तेरा चैनल अच्छा नहीं है, इस भाई का चैनल मेरे को बहुत अच्छा लगा। स्टाइल भी तो अच्छा है। अरे यार शिट यार, मैं फिर से भूल गया, मतलब हम लोगों ने कॉलम वॉलम सब कुछ रखवा लिया यार। ये अभी तो मैं कहता हूँ अरुण की व्लॉगिंग तू मत कर, व्लॉगर मुझे ही रहने दे, क्योंकि व्लॉगिंग में भाई जो टैलेंट चाहिए ना वो तेरे अंदर नहीं है, वो मेरे अंदर ही है। यही आया था भाई, जो ये बीम हम कॉलम लेके आए थे ये यही है।
देखो ये टेम्पो ने अनलोड कर दिया है और ये अपना यहाँ पे सेट हो गया है। अभी देखो ये वाला नया घड़ा था, यहाँ पे नहीं था पहले। थोड़ा पानी, आज बारिश हुई थी ना तो वो पानी भर गया, लेकिन वो हमने निकाल निकाल के अब इन लोगों ने सेट कर दिया है। खड़ा हो चुका है अपना और यही था भाई अपना पूरा दिन। उसके बाद हम लोग उसी काम में लग गए, मतलब उसी फार्म वगैरह के में स्टेबलाइजर वगैरह हमने तालिब से कह के, जो हमारा इलेक्ट्रिशियन है उससे कह के वो फिट करवा दिया और अब मस्त पूरा सिस्टम वहाँ पे चल गया है। अभी मतलब आज प्लान था पूरा टाई बीम पूरा भर जाएगा, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए कॉलम लाने में, थोड़ा लेट हो गया भाई। कोई नहीं भाई, कल दिखाते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखो, हाँ ये पवार्स वाला अपना लोगो है, मस्त जलता है, वो नेक्स्ट वीडियोस में दिखाएंगे इसको जलते हुए भी। तो भाई अगर थोड़ी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू। सजेशन अपने कमेंट में देके जाओ।